आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आर्डर 9 में पक्षकारों की उपसंजात एवं अनुसंजात के बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा वाद पर, आइए इसके बारे में जानते हैं। पक्षकारों के न्यायालय पर उपस्थिति या अनुपस्थिति के परिणाम के बारे में आर्डर 9 में दिया गया। जब कोई पक्षकार न्यायालय पर उपस्थित नहीं होता है तो आर्डर 9 रूल 3 के माध्यम से न्यायालय उस वाद को खारिज कर देते हैं। उस खारिजी आदेश को अपास्त करने के लिए आर्डर 9 रूल 4 में एक आवेदन दिया जाएगा और युक्तियुक्त कारण देते हुए आवेदन दिया जाएगा। न्यायालय अगर उचित समझेगी तो उस खारिजी आदेश को रिकाल कर सकती है। आर्डर 9 रूल 6 में दिया गया है, जब वादी उपस्थित हो और प्रतिवादी अनुपस्थित हो तो प्रतिवादी अनुपस्थिति के आधार पर न्यायालय उस वाद को एक पक्षी कार्रवाई का आदेश दे सकते। उस एक पक्षी कार्रवाई के आदेश को रिकाल करने के लिए आर्डर 9 रूल 7 में व्यवस्था दिया गया है कि आर्डर 9 रूल 7 में एक प्रार्थना पत्र दे करके उस एक पक्षी कार्रवाई को रिकाल किया जा सकता है। आर्डर 9 रूल 8 में दिया गया है, जब प्रतिवादी उपस्थित हो और वादी अनुपस्थित हो तो वादी अनुपस्थिति के आधार पर वाद को खारिज कर दिया जाता है और उस खारिजी आदेश को अपास्त करने के लिए आर्डर 9 रूल 9 में व्यवस्था दिया गया है कि युक्तियुक्त कारण देते हुए आवेदन पत्र दिया जाएगा। न्यायालय उचित समझेगी तो उस खारिजी आदेश जो आर्डर 9 रूल 8 में के माध्यम से न्यायालय ने किया है उस खारिजी आदेश को आर्डर 9 रूल 9 के माध्यम से उस आर्डर को अपास्त कर सकते हैं। आर्डर 9 रूल 13 में जब कोई वाद एक पक्षी डिग्री हो जाता है तो उसको अपास्त करने के लिए आर्डर 9 रूल 13 में व्यवस्था दिया गया है। उसको कायम करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया जाएगा आर्डर 9 रूल 13 के माध्यम से और उस एक पक्षी डिग्री को युक्तियुक्त कारण देते हुए कैसे उसको सूचना नहीं मिली और क्यों देर हुआ, क्यों नहीं जानकारी हो पाई, इसका कारण देते हुए आर्डर 9 रूल 13 के माध्यम से उस एक पक्षी डिग्री को न्यायालय अगर उचित समझेगी तो रिकाल कर सकती है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।